मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विकास यात्रा को फ्रॉड यात्रा कहा। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में रेसलर्स के प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह एक गंभीर आरोप है, अगर ये सच्चाई है तो इसमें सीधा एक्शन होना चाहिए। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। पर आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सही फैसला करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यात्रा हिसाब देने की जगह 18 साल का हिसाब दें, ये उनकी यात्रा होनी चाहिए। पर जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह करना और जनता के साथ फिर से फ्रॉड करना, ये अब जनता समझ रही है अच्छी तरह। मैं कह रहा हूँ, प्रशासन के बगैर तो इनका कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, क्योंकि भीड़ प्रशासन की, यात्रा प्रशासन की। सबको कहेंगे कि इतने लोग जमा करो, इतनी बसें लाओ, और तब दिखाएंगे मीडिया में कि इतनी भीड़ थी। पर वो भीड़ भी बहुत समझदार भीड़ है आज की। ये तो बहुत गंभीर बात है और दुख की बात है अगर ये सच्चाई है। ये यौन शोषण जो किया है, ये आरोप तो आया, अखबारों में आया। अब मैं इसकी सच्चाई तो जानता नहीं, सरकार को इसकी पूरी इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल उनका एक्शन होना चाहिए और इसमें सीधा एक्शन होना चाहिए कि ये आरोप जो हैं बहुत गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और मुस्लिम समाज से बातचीत को लेकर कमलनाथ ने कहा कि आज आम जनता समझदार है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, समाज मोदी जी को अच्छे से पहचानता है। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे मध्य प्रदेश में, ये कुछ भी प्रयास कर लें। आज आम जनता समझदार है, मैं ये हमेशा कहता हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो अपना भविष्य सुरक्षित रख, सब समाज मोदी जी को अच्छी तरह पहचानता। ठीक है, तो ये किसी समाज से कहें कि हम बातचीत करेंगे, उनको जोड़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ समाज मोदी जी को अच्छी तरह पहचानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।